भारत में ऋषि कर्म व कृषि कर्म की संस्कृति को सर्वाधिक गौरव दिया जा रहा है। कृषि से समृद्धि व कृषक को सम्मान मिले, इस विचार से पतंजलि योगपीठ में परंपरागत विषमुक्त खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत ने ऋषि कर्म और कृषि कर्म को सर्वाधिक गौरव दिया है और इसलिए हमारे सारे पूर्वज अपने ऋषि धर्म के साथ कृषि धर्म का निर्वहन प्रामाणिकता से किया करते थे और आधुनिक युग में भी हमारे महापुरुषों ने जय जवान जय किसान जय हिंदुस्तान का हमें नारा दिया। आजकल लोगों का खेती के प्रति गौरव कम होता जा रहा है। ये जो आप पूरा खेत देख रहे हैं, ये हमारी बेटियों ने खुद ये खेती की है, गोमूत्र गोबर पर आधारित ऑर्गेनिक विषमुक्त कुदरती खेती जिसको बोलते हैं वो की गई है। माने इन गेहूं के दानों में आपको कोई जहर नहीं मिलेगा। आज गेहूं में चावल में बाजरे में माने जितने भी ग्रेन्स हैं वेजिटेबल्स हैं फ्रूट्स हैं यहाँ तक कि गाय जो भैंस जो दूध देती है उस गाय को भैंस को दुधारू जानवरों को भी हम जो हरा घास खिलाते हैं वो यूरिया डीएपी और तमाम तरह के फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड डाल करके पैदा करते हैं और उससे हमारी खेती भी जहरीली हो गई है, हमारे खेत हमारे पेट जहरीले हो गए, हमारा खून जहरीला हो गया है। तो विश्व मुक्त कुदरती खेती का अभियान है ये पतंजलि योगपीठ का और इसको हम बहुत बड़े पैमाने पर चला रहे हैं और हमारी जितने भी ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ हैं यहाँ पतंजलि गुरुकुलम आचार्य कुलम और पतंजलि विश्वविद्यालय में जो छात्र होते हैं हमारा प्रयास होता है कि उनको यह कुदरती सेंद्रीय खेती जिसको कहते हैं महाराष्ट्र में विश्व मुक्त खेती जिसको कहते हैं और पूरी दुनिया में जिसको ऑर्गेनिक खेती कहा जाता है उसका प्रकल्प है यह हमारा। और हमने तो स्वयं किसान परिवार में जन्म पाया और बचपन से हमने खेती की है। हम अपने ब्रह्मचारियों को अपने सन्यासियों को जहाँ यहाँ वेद सिखाते हैं वहाँ उनको खेती भी सिखाते हैं और खेती के प्रति सबका गौरव पैदा हो ये उनके चित्त में हम भाव भरते हैं। अर्थात यदि आपको जीवन में श्रेष्ठता पानी है तो आपको इस कृषि को भी गौरव देना पड़ेगा और कृषि से बेहतर और दूसरा तो कार्य हो ही नहीं सकता। वैसे आप इसको देखेंगे तो जिनको ये फसलें बोनी और काटने नहीं आती उनके लिए शायद हो सकता है थोड़ा यह नया लगे, लेकिन जिनको थोड़ा भी खेत के बारे में पता है इसमें पूरा व्यायाम भी होता है। जब मैं इसको तेज़ी से काटता हूँ तो मेरी भुजाओं का भी व्यायाम हो रहा है, माने दंड बैठक लगाने की सूर्य नमस्कार करने की जरूरत नहीं। हमारे पूज्य स्वामी सोमानंद जी महाराज एक बहुत बड़े सन्यासी भी हमें कहते थे कि हमें उत्पादक श्रम करना चाहिए। जिनको अवसर मिलता है कि वो खेत में काम कर सकें तो उनको खेत में काम करके व्यायाम करना चाहिए। यद्यपि जिनको खेतों में काम करने का अवसर नहीं मिलता तो उनको फिर सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए, दूसरे उपाय भी अपनाने चाहिए। लेकिन यदि आपको खेत में काम करने का अवसर मिलता है तो इसमें सूर्य नमस्कार भी हो जाता है, इसमें दंड बैठक भी हो जाती है, इसमें कई आसन भी हो जाते हैं। आप चाहे बैठ करके काटते हैं तो उत्कटासन हो जाता है, जब आप इसको आप झुक करके इस तरह से काटते हैं तो फिर जो है आपका सूर्य नमस्कार और कई तरह के पाद हस्तासन पश्चिमोत्तानासन आदि का लाभ एक साथ ही मिल जाता है। और आपकी यदि स्पीड तेज होती है तो थोड़ी ही देर में आपको पसीना भी आने लगता है। ये जो कृषि कार्य है ये करके हमारे पूर्व बड़े बलवान हुआ करते थे, पूर्ण स्वस्थ हुआ करते थे, उनको कैंसर जैसे रोग नहीं हुआ करते थे। आजकल कैंसर टीबी डायबिटीज बहुत तरह की बीमारियां हो गई। जहाँ योगाभ्यास सिखाते हैं विद्याभ्यास कराते हैं वहाँ ये खेती भी करना सिखाते हैं।